चोट लगी है। आयोडेक्स मलिया काम पे चलिए उठ। ए कौन है तू? ए सौंदर्य साबुन निर्मा, हाथ में गन देके समझ में नहीं आते कौन है हम लोग। चल क्या चुराए इसमें ला। कुछ नहीं, ये दिल मांगे मोर ला, ला। मैं बताता हूँ इसने क्या चुराया है। देख क्यों हो? आइडिया रेडी है, ये देखो। अरे कोरा का देखो है? अगर बाटली वाला को बाटली के अंदर करना है ना तो मैं कहानी शुरू करूंगा, तुम लोग बढ़ाते रहना। वाह वाह वाह, क्या आइडिया है। अच्छा आइडिया है, क्या आइडिया क्या है मेरे को तो बताओ। देखो एक घना जंगल है, उसके अंदर एक दूसरा जंगल है, उसके आगे तीसरा जंगल है, मैं चौथा बोलूं? कल बोलना, सारा जंगल ही जंगल है। अरे जंगल में जंगल नहीं होगा तो क्या फॉरेस्ट होगा? एक भयानक गुफा है। हाँ, और उस भयानक गुफा में भयानक जंगली लोग रहते हैं। और उन जंगली लोगों ने कुछ नहीं पहना, उनके बदन पर सिर्फ छोटे छोटे वो लटकते हैं। वो क्या लटकता है? वो जो डाली पर लटकते हैं ना। बाबा बाबा बंदर ना? नहीं। अरे बदन पर बंदर लटकता है? नहीं नहीं बंदर नहीं, वो भैया डाली पर वो क्या हरे हरे लटकते हैं? पत्ते 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 लटकते हैं। और उन लोगों ने सिर्फ पत्ते पहने हुए, सिर्फ एक पत्ता आगे। जंगली गरीब हो तो एक पत्ता, जंगली अमीर हो तो दो पत्ते। दो पत्ते की, एक आगे एक पीछे। और उन खूंखार जंगली लोगों के बीच एक शुरू होता है टेंडर लव, मोमेंट ऑफ लव, म्यूजिक। कुत्ता चलेगा? कुत्ता इससे डरता है। मतलब कुत्ता भी नहीं चलेगा, शेर भी नहीं चलेगा, तो फिर बाटली वाला वो चलेगी? हाँ वो चलेगी, लेकिन कैसी है वो? वो काली काली। काली क्यों, गोरी क्यों नहीं है? वो गोरी नहीं होती है ना, वो काली काली जो डाली डाली पर लटकती है। वो डाली पर लटकती है, मेरे को कैसे चलेगी? अरे वो चलानी पड़ेगी ना। वो भैया क्या होती है वो काली काली? कुकु कोयल। कोयल कोयल। हाँ हाँ कोयल, आई लव कोयल। फिर एक कोयल बोलती है, इतने में जंगल में सन सन साई साई हवा चलती है। और अचानक क्या जंगल में वो होता है? हाँ वो क्या होता है? वो जिसकी वजह से लड़का लड़की से चिपक जाता है ना। सेक्स? नहीं, वो भैया वो बारिश में क्या होता है? छाता। जिसकी वजह से छाता उड़ जाता है वो। तूफान 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 होता है। और उस आंधी तूफान में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उन जंगली लोगों के बदन से सारे पत्ते उड़ जाते हैं। और फिर दिखाई देता है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट? यस, नेचुरल अंडरवेयर। जंगली से लेके जांबाज तक सबकी पसंद नेचुरल अंडरवेयर। क्या आइडिया है, जंगली से लेके जांबाज तक मेरा प्रोडक्ट नेचुरल अंडरवेयर सबकी पसंद। मेरे दिल खुश कर लिया, मैं लेट हो रहा है। मैं तेरे को एक बात पूछ रहा, तू भूल ही गया? वो लास्ट टाइम तेरे को लोन दिलवाया था ना, लेट हो रहा है ना? हाँ, मैं लेट हो रहा है। एक मिनट मिस्टर बाटली वाला, आप पैंट के नीचे कौन सी कंपनी का अंडरवेयर पहनते हैं? एक्चुअली दिखरा, मैं पैंट के नीचे कुछ भी नहीं पहनता हूँ, कुछ भी नहीं। कमाल कर दिया तूने, तो हमारा काम कर दिया। मेरा काम सदा विमुक्ति साधकम् कलाधरावतम् सकम् विलासी लोकरक्षकम्। ये पकड़ा पकड़ा, पकड़ो जल्दी, उड़ जाएगा उड़ जाएगा उड़ जाएगा उड़ जाएगा। ये क्या है अंकल? सपना। सपना? मैं तुझे एक सपना दे रहा हूँ,
कि आज के बाद तुम अपने पैरों पे खड़े रहोगे, दौड़ोगे, भागोगे, चलोगे। एक्चुअली ये बीमारी है ना, इसीलिए लोग मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे मालूम है। ए राजू, वो देख, वो सूरज है, गॉड है वो। उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर और कह उसे कि मुझे शक्ति दे। तू सारी दुनिया को ताकत देता है, सागर को, झरने को, बादल को, फिर मुझे क्यों कमजोर बनाया? हाँ, लाइफ में कुछ भी हो जाए, कभी हार नहीं मानना, क्योंकि आने वाला कल कभी भी बाकी होता है। एक ना एक दिन मैं अपने चमत्कार से तुझे ठीक कर दूंगा। रियली? रियली। बस करो, जस्ट स्टॉप इट, ओके? मत खेलो बच्चे के मन के साथ इस तरह। पता है क्या कर रहे हो तुम इसके साथ? उम्मीद दे रहा हूँ, मकसद दे रहा हूँ जीने का। झूठ बोल रहे हो तुम, और किसी को भी झूठा सपना दिखाने से बड़ा पाप कोई नहीं होता। चलो राजू। अरे क्या कहूँ, जन्म देते ही बेचारे की माँ गुजर गई। तब से यही सोचती है कि इसका पैदा होना माँ की मौत की वजह है। हमारे हिंदुस्तानी घरों में लड़कियाँ ठीक से पलती क्यों नहीं, खुश क्यों नहीं रहती? इसकी कोई एक वजह थोड़ी है। ये जो तुम इतने सारे घर देख रहे हो ना संजू, इनमें न जाने कितनी अनगिनत शिवानी होंगी, क्या पता। अरे इस उम्र में मुंह पर मैयत का डिजाइन बनाकर बैठी है, मुझसे देखा नहीं जाता। ये आंसू भी क्या चीज है ना संजू, जम जाए तो हिमालय और पिघल जाए तो गंगा बनकर बहती है। हे माँ जी, मैं हूं ना, डोंट वरी, पत्थर से निचोड़ूंगा पानी और एक दिन हंस देगी शिवानी। सब खत्म बड़े भैया, सब खत्म। चिल्लाओ मत, तमीज से बात करो। कौन सी तमीज, कमीज उतारने की बारी आई यहाँ पे। रास्ते पे आ गए हम सब लोग, क्यों भरोसा किया इन यूनियन वालों पे? हाँ, वो मल्होत्रा प्रोडक्ट्स ने खरीद लिया है हमारे मजदूरों को, यहाँ पे हड़ताल करा के अपना सारा ऑर्डर वो खा जाएंगे। 2.5 करोड़ का माल सड़ जाएगा बड़े भैया, 2.5 करोड़ का। नमस्ते मालिक। क्या बात है चौहान, बोलो इनको फैक्ट्री का काम ठीक ठाक चलेगा? तुम भी? क्या करूं मालिक, पेट चीज ही ऐसी है, जब खाली है तो शोर मचाती है और जब भर जाता है तो डकार मारती है। तुम बहुत घटिया आदमी हो। हमारा डिमांड कुछ नया नहीं है, वही पुराना डिमांड, पैसा, मजदूरों को मैं संभाल लूंगा। बार बार कह रहा था मत बनो सत्यवादी, मत चढ़ाओ सर पर मजदूरों को। कर दिया ना हड़ताल, अब क्या जवाब दोगे पार्टियों को? आ गए ना रोड पर एक रात में, हैं? दिलीप भाई आपकी वजह से कंपनी बंद हो चुकी समझो। मैंने क्या गलत कहा? अब यूनियन वाले अपनी जबान से फिर गए तो मैं क्या करूं? लेकिन आपने उन पर भरोसा किया और वो बिक गए ना। इस दुनिया में उसूलों पे चलने वाले लोगों के मंदिर बनते हैं पर घर बिक जाते हैं। तो क्या चाहते हैं आप सब? आज के बाद बड़ा भाई होने का झूठा सम्मान भी मत देना। यस, अब आज के बाद हमारा गेम हमें ही खेलने दो चुपचाप। ठीक है, मैं माफी मांगता हूं आप सबसे। अरे संजू कहाँ है तू, लल्ले है? अरे यार ये जोगे ने पूरा घर को घेर लिया मेरे बाप, यहाँ पुतले पे चाकू घुसेर दिया, दीवार पे खून से लिख गया, 2 दिन का वार्निंग दिया मेरे बाबा, आज गुड़िया पे कल मेरे को चाकू मारेगा यार। तू एक काम कर, माल लेके वहां से निकल, तेरे पांव पड़ता हूं। और ये असली संजय शास्त्री को तो मैं पटा पटा के थक जाऊं मेरे भाई, एक काम कर तू यहाँ आ जाने तो मैं वहां आता हूं। मैं निकल रहा हूं, जल्दी से निकल रहा हूं। ये सब क्या हो रहा है? अरे इंडिया पाकिस्तान की मैच थी ना, हा? तो इंडिया जीत गई इसलिए पटाखे फूट रहे हैं। अच्छा, हाँ बच्चा याद रखना, बोल दे देना। संजू ये क्या, तुम हमें छोड़कर जा तो नहीं रहे हो ना? नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही। मैं हार गया हूं संजू, मेरी वजह से सारा बिजनेस गिर गया।
मैंने ऐसा नहीं चाहा था। अब तुम ही बचा सकते हो मुझे और मेरे परिवार को। दिलीप भाई मैं क्या कर सकता हूँ? संजू तू समझा शिवानी को कि विदानी परिवार का रिश्ता ना टूटा, वो लोग हमारी कंपनी संभाल लेंगे, हमें कर्जे से बदनामी से बचा लेंगे, और फिर मैं ये घर और ये बिजनेस छोड़कर दूर चला जाऊंगा। मैं लायक नहीं हूं हिसाब किताब की दुनिया के, मेरी ऑनेस्टी मेरी बातें कमजोरी लगती हैं सबको। शादी के बाद विदाई मेरी बेटी की होगी, लेकिन घर छोड़कर जाऊंगा मैं भगौड़ा हूं बेटे, और फिर तलाश करूंगा जिंदगी के सच को, और चीख चीख कर पूछूंगा जिंदगी से, बता कहां कभी रह गई, क्यों मुझे इतना लाचार बाप बनाया कि आज पैसे के लिए अपनी बेटी की शादी करवा के। संजू प्लीज तू समझा शिवानी को शादी के लिए। अब मैं और क्या कहूं अपने मुंह से। दिलीप भाई सब ठीक हो जाएगा। बस बोल चुके तुम सब कुछ, अब सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। अगर इस रिश्ते से मैं खुश नहीं हूं और कभी हो भी नहीं सकती, तो वो मेरे अपने जो मुझे खुश देखना चाहते हैं, क्या वो कभी खुश हो सकते हैं? नहीं। इन तीनों भाइयों को बिजनेस में बांधे रखने के लिए मुझे किसी के भी साथ घर बसाना होगा? आज मेरा किसी के भी साथ घर बसा रहे हैं, अगर कल को राजू को किसी ने किडनैप कर लिया, 50-60 लाख रुपए मांग लिए, तो क्या कहेंगे ये लोग? मार डालो उसे, क्योंकि वो बेचारा अपाहिज है, जैसे मैं लाचार हूँ, कुछ नहीं कर सकती। क्या फर्क क्या है हम दोनों में, बोलो। तुम जानती हो तुम्हारे पापा के? हाँ मैं जानती हूँ कि मेरे पापा हार चुके हैं, टूट चुके हैं वो, लेकिन इसका मतलब मुझे मेरी सारी जिंदगी उनकी हार, उनकी नाकामी, उनके सारे दुख विरासत में लेके जीना पड़ेगा। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की हूं? पता है संजू, आज पहली बार मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूं मैं कि मेरी माँ मर चुकी है, जिंदा नहीं है वो, ये सब कुछ देखने के लिए। और तुम किस मुंह से मुझे ये सब कुछ बताने आए हो? आंखों में आंखें डाल के बताओ कि एक दिन इसी जगह अपने आप से आजाद करने के लिए जिस तरह मेरी किताबें जलाई थी, उस तरह आज मेरा फ्यूचर जलाने आए हो? शिवानी, उसी दिन छत से धक्का क्यों नहीं मार दिया जिसने नई सांस लेना सिखाया था, अपने आप से आजाद किया था, जिंदगी से लड़ना सिखाया था, अपने आप पे भरोसा करना सिखाया था, क्यों सिखाया था? एक बात मैं और जान चुकी हूँ तुम्हारे बारे में, बहुत झूठ कहा तुमने मुझसे, तुम मेरे दूर के रिश्तेदार हो ही नहीं सकते, तुम तो मेरे बहुत करीब के हो, क्योंकि इतना दुख कोई अपना ही दे सकता है। संजू पहले एक बार मुझे छूकर कहो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो क्या वो सही है? शिवानी, इन सब सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। अपने आप को सुखी करना पाप है? नहीं। क्या तुम सुखी होंगे मेरे जैसे लड़की पाकर जिंदगी में? बोलो, चाहते हो मुझे, पसंद करते हो? Do you love me? बोलो हाँ या ना। शिवानी दीदी, सब लोग तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। मुझे जवाब चाहिए संजू। जवाब तुम जानती हो शिवानी। शिवानी दादी, शिवानी come on। विरानी जी, ऐसी शादी रचाऊंगा कि पूछो मत। आज तक आपने मुंबई में ऐसा सेट नहीं देखा होगा रिसेप्शन का। फिल्म वालों को बुलवा के बनवाऊंगा। भाई साहब, रिसेप्शन पर गोविंदा भैया से डांसिंग कराएंगे हम। अरे शादी है, इतना हंगामा क्यों? आखिर बात क्या है? अरे समधी जी, हमें भी तो आपके उसके साथ वो मिला के चलना होगा। वो मिला के क्या? कंधा अभी चक्कर रोकते हुए सब तमाशा। पागल मत बनो, गणेश जी का नाम लेकर शुभ शुरुआत कर दीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। इनफ इज इनफ। किस अधिकार से पकड़ रहे हो यार? और किस भरोसे से तुम ठुकरा रही हो ये रिश्ता? हम लड़कियों को ना एक सिक्स सेंस होती है, स्पर्श पहचानने की सेंस। एक शर्त पर मैं नीचे चुप रहूंगी। क्या? आज शाम को तुम मुझे टेरेस पर मिलने आ जाओगे। शिवानी
अरे शिवानी क्या कर रही हो तुम, गिर जाओगी तुम। तुम जो हो थामने के लिए, फिर मैं क्यों डरूं? मरना है क्या? हाँ मरना है तुम पर। देखो शिवानी तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हूँ तुम्हारे लिए। तुम नीचे उतरती हो नहीं? पहले तुम कहो कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। तुम यार बस करो शिवानी ये सब। Come on संजू, एक दिन इसी जगह तुमने मुझसे कहा था कि शिवानी जिंदगी का सामना करना सीखो, और आज तुम मेरा सामना नहीं कर पा रहे हो। शिवानी तुम सचमुच ब्यूटीफुल हो, आई लाइक यू। अब बोलो डू यू लव मी? डू यू लव मी? ओके ओके आई लव यू। ओके नीचे उतर रहा हूं प्लीज। तुमने कहा था प्यार जीतने के सिर्फ 6 स्टेप सिखाऊंगी, सातवां मैं अपने आप समझ जाऊंगी, है ना? मैं अपने आप समझ गई कि अपने आप को देना पड़ता है प्यार में। लो सातवां फेरा भी पूरा कर लो, मन से तो मैं कब की तुम्हारी हो चुकी हूं, अब तुम मुझे। आओ आओ बैठो बैठो आओ आओ संजू आओ 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 बैठो बैठो। ये लो तेरी लाइफ का सब कुछ। ये क्या है? इसमें 10 लाख रुपए के छुट्टे हैं। ये तुम्हारे बिजनेस के लिए रख दो। अरे डील पक्की हो गई वीरानी ग्रुप के साथ, मुबारक हो। और संजू ये 5 लाख के छुट्टे शिवानी की शादी के लिए। शिवानी की शादी की तैयारी शुरू कर दो बॉस। अरे ऐसा रंग जम जाना चाहिए कि शिवानी की शादी याद रह जाए। ए संजू तू कुछ नहीं हुआ क्या? क्या सोच रहे हो? आंखें बंद करोगे तो मुझे पाओगे, आंखें खोलोगे तो मुझे ढूंढोगे। अब कहां जाओगे शिवानी? खूबसूरत है। आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि ऐसा लगता है खुशी के मारे रो पड़ूंगी। और एक तुम हो उन तारों की तरह जो हमारे साथ तो है पर हमारे पास नहीं है। शिवानी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक मिनट हिलना मत। हाँ तुम्हारी पलक कितनी क्यूट है, इसे हथेली पे रखो, आंखें बंद करो, अपने चाहने वाले का नाम लो, सच्चे दिल से जो भी मांगोगे मिल जाएगा। मुझे कुछ नहीं मांगना। पलक का इंसल्ट मत करो, आखिर रो देगी। मुझे मांगो। इनफ शिवानी। ऐसे मूड में क्यों हो तुम? चलो तुम्हें और एक चीज दिखाती हूँ, आओ चलो। पागल प्रेमियों की तरह हर जगह हमारे नाम लिखते हैं, संजू शिवानी, संजू शिवानी। इनफ शिवानी, ना ये मेरा नाम है ना मैं तुम्हारा हूँ। शिवानी मेरा नाम संजू शास्त्री नहीं है, मैं तुम्हारे रिश्तेदार से ये नाम लेकर तुम्हारे घर का एड्रेस लेकर तुम्हारे घर में घुस आया था। शिवानी मैं एक फ्रॉड हूं, एक चलता पुर्जा चीट हूं मैं। अच्छा मैं भी शिवानी नहीं हूं संजू, मैं वो फुलन देवी हूं। एक्चुअली अम्मा जो ना नो 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 एक्चुअली हम कमला भाई सोनटक्की। नमस्ते शिवानी, प्लीज मैं तुम्हारे घर में घुस के 50-60 लाख रुपए की टोपी घुमाने आया था। एक काम करते हैं, दोनों साथ में मिलके घर साफ कर लेते हैं, फिर दूर चले जाएंगे, कनाडा, अमेरिका, नहीं अच्छा ठीक है बांग्लादेश। शिवानी प्लीज तुम समझती क्यों नहीं,
मैं तुम्हें चीट नहीं कर सकता शिवानी, यकीन मानो शिवानी, मैं यकीन के लायक नहीं। मत देखो मेरी आंखों में शिवानी, तुम्हारी आंखों से डर लगता है मुझे। तुम चाहती हो ना कि मैं कुछ मांगू, तो आज मैं मांगता हूं कि तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ शिवानी, हमेशा के लिए। सिर्फ एक और दिन चाहिए, आज की रात और कल का दिन, वो अपने आप समझ जाएगी। उसे समझ नहीं होगा, आप फिक्र मत करो। संजू, संजू बेटे, तू कुछ परेशान है? मुझे पता, देख तू कहीं भाग तो नहीं जाएगा ना? हाँ, नहीं ना? पिता, इससे तेरा पैर ठीक होगा, क्यों सिद्ध कर रहा है? संजू टहल ना, देखिए दवाई नहीं लगा रहा है, तेरी बात मानता है, तू ही समझा इसे। संजू देवर जी क्या हुआ? ए संजू, ये देख मेरा पिता दाई चंदर चला गया, अब मैं फास्ट भी बोल सकता हूँ, बता क्या बोल के दिखाऊ। संजू क्या हुआ, तू इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों लग रहा है? अरे चीयर अप मैन। शिवानी मेरी बात तो सुनो, कहती है कि शिवानी दीदी की शादी हो जाने के बाद वो हमें छोड़ के चली जाएगी, क्या सच्ची है सौगा संजू भैया? संजू भैया आप तो हमें छोड़ के नहीं जाओगे ना? बोलिए ना संजू भैया। आज मेरे पास कोई कहानी नहीं है तुम लोगों को सुनाने के लिए, तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। लल्ले मेरी बात ध्यान से सुन, अरे अस्सी संजय शास्त्री घर से निकल गया है, वो किसी भी वक्त वहां पहुंच सकता है, एक काम कर जितनी जल्दी हो सके तो माल लेके वहां से निकल जा मेरे बाप। हो जाएगा नटवर, आज रात को ही काम हो जाएगा। जो क्या मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ, मैं घर से बाहर हूँ, रोड पे आ गया हूँ मैं, तू एक काम कर चकना कर मेरे को मिल। अच्छा ओके चले, सब बोल संजू की तरह बोल। कौन कहा है संजू? मेरे को नहीं पता। संजू की तरह बोल। मैं अभी अभी अपनी याददाश्त को बैठा हूँ। तू याददाश्त खो बैठा है, मैं अपनी बर्दाश्त खो बैठा हूँ। चल सही बात है। चल
वो चलने लगा। राजू संजू भैया ये देखो मेरे पैर, आपने कहा था ना। संजू देखा तो मैं क्या कर देखा। संजू मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ से भाग रहा था। मैं सच क्या हुआ शिवानी? राजू अरे ये तो अपने पाँव पे खड़ा है। मैंने कहा था ना एक दिन मेरा राजू जरूर चलेगा। सुधा इसे एक शौक की जरूरत थी, तूने जानबूझकर भागने का नाटक किया था ना संजू। थैंक यू संजू, थैंक यू देवा जी। मान गए संजू, अरे तूने तो चमत्कार कर दिया। मैंने 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 कोई चमत्कार नहीं किया, मैं तो ये घर छोड़कर भाग रहा था। हम तो उम्र भर के लिए तेरे कर्जदार बन गए, कौन लगता है तू हमारा, क्यों करता है ये सब? महेश भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं कोई चमत्कार करने वाला बाबा नहीं हूँ, मैं तो यहाँ से भाग रहा था। देखिए महेश भाई मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। महेश भाई शिवानी तुम तो जानती हो सब कुछ, तुम ही बोलो ना। ये तो तुम्हारा एक और जादू है हमारे घर पर, वही जादू संजू जो तुमने मुझ पर भी किया था। दादाजी पापा मैं संजू को चाहती हूँ। क्या क्या बकवास कर रही है तू? हम तो वीरानी परिवार को जबान दे चुके हैं। ये मेरी जिंदगी है महेश चाचा। खामोश क्यों हो संजू, जवाब दो। संजू अपने मुंह से कहे या ना कहे मैं उसे चाहती हूँ, सिर्फ उसे। और इस बार अगर मुझे किसी ने कुछ कहा, रोका या टोका तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। शिवानी नहीं, आप लोग इसकी बात मत सुनिए, ना मैं संजू शास्त्री हूँ और ना ही मैं लायक हूँ इस रिश्ते के लिए। धोखेबाज है ये, फ्रॉड नंबर वन है ये। अरे पर तुम कौन हो भाई? संजू शास्त्री। संजू शास्त्री आपका रिश्तेदार। ये आदमी मुझसे आपके बारे में पूछकर आपका एड्रेस लेकर मेरे फोटो पासपोर्ट सब कुछ छीन कर यहाँ आ गया। हाँ। और इसके दोस्त मुझे 2 महीने तक घुमाते रहे इंडिया में। बहुत चालू आदमी है ये, मैं सुमन का बेटा हूँ दादाजी। कहाँ जा रहे हो मिस्टर संजू? मतलब राजू का चलना महज एक इत्तफाक था? आस्तीन के सांप, हमसे इतना बड़ा धोखा किया तूने, क्यों किया तूने ऐसा? बता तुझे क्या चाहिए? पैसा? कितने पैसे चाहिए तुझे? कोई पुलिस को बुलाओ। जी अभी करके आता हूँ। पुलिस को मत बुलाना प्लीज। तूने हमारे साथ ये खेल खेला? तूने संजू जिनके घर में अपना बनकर रहा इतने दिनों तक, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा नाटक संजू, अब तो आदमी जात से भरोसा ही उठ गया हमारा, क्यों किया तूने ऐसा? इसका मतलब तू सचमुच भाग रहा था? हाँ ये राजू जो इस तरह खड़ा है वो शौक से नहीं, वो एक इत्तफाक था, हम तुम्हें चमत्कार करने वाला समझ रहे थे। हाँ ये क्या खड़ा करेगा राजू को, ये तो खुद गिरा हुआ है, झूठा कहीं का। तो ऐसा क्यों किया बेटी? तुझे बेटा माना था मैंने, ऐसा करके तुझे क्या मिला? वो श्लोक, वो रामायण, तूने तो मेरी श्रद्धा को ही झूठा साबित कर दिया। अरे इस बुड्ढे की हाय लगी थी तुझे, हाय खेलता था मेरे साथ, और मन के अंदर इतना बड़ा फितूर, हमारे प्यार का मजाक उड़ाया इससे। तो देख कैसे रो रही है, क्यों खिलवाड़ किया मेरी बेटी के साथ? अमीरी के ख्वाब, लाखों का बिजनेस, करोड़ों की बातें, क्या चाहिए तुझे? पैसा चाहिए? कितना पैसा चाहिए? इस बैग में क्या है? शादी के पैसे। बेशरम नाली, तू बैग ला इधर, बैग ला। चोरी करना बैग दे। चोट लगी है, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, उठ। ए कौन है तू? ए सौंदर्य साबुन निर्मा, हाथ में गन देके समझ में नहीं आते कौन है हम लोग। चल क्या चुराए इसमें? ला कुछ नहीं, ये दिल मांगे मोर। ला, ला। मैं बताता हूँ इसने क्या चुराया है, देख।
फाइला, क्या सीन है यार हा? जिसने लूटा है वो भी रो रहा है और जो लूट गए वो भी रो रहे हैं। क्या सीन है यार? अरे रे रे रे, क्या है यार? ये क्या है? आठ आना हा? ये चार आना हा? ये 35 पैसा हा? और ये श्रीमद भगवत गीता। चौधरी का घर लूटा है कि कबाड़ी की दुकान लूटी है? ये सब क्या कचरा लूटा है इसने? या हम तेरी जान के पीछे पड़े हैं और तू अपनी जान यहां लूटा रहा है हा? अबे हीरो होंडा, इस घर के दरवाजे के बाद लेफ्ट लेगा ना तो एक दुनिया शुरू होती है जहां पे इन चीजों के रद्दी के दाम भी नहीं मिलते और तू महल से कचरा उठा लाया। वाह। और आप लोग प्लीज मेहरबानी करके रोना बंद कर दीजिए, हम अभी लूटना शुरू करेंगे। जा लूट। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, इस फैमिली को कुछ मत कर प्लीज। क्यों? इसने राखी बांधी है तुझे है? मैं रिश्ते में लगता हूँ तेरा, मुझे मेरे पैसों से मतलब है। चल लूट। तेरा हिसाब किताब मेरे साथ है, तू इस फैमिली को इसके बीच में मत घसीट। अरे तू क्या जानता है कि माँ क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं? इस घर के आंगन में मुझे कोई गंदगी नहीं चाहिए जोगिया, वरना यहीं दफना दूंगा मैं तुझे। गर्मी में डालो दूध में आइस, दूध बन गया वेरी नाइस, दूध 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 दूध। हाय, बुढ़ापे के पीछे जवानी छलक रही है। आराम का मामला है, अपन के चॉइस का मामला है। इसके साथ कुछ किया कि नहीं, कि वो भी मैं ही करूं? आई लव हर जोगिया, आई लव हर। रूप निखरा गुणकारी चंदन से। चल अंदर जा और गहने पैसे उठा कर ला। चल जा। कोई अंदर नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा? चिमन टुंडा, ये सुना तुमने? तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। जरा पार्सल ला तो। इनके झोंक से बच के कहां जाओगे? अब बोल, अब तो लात मारेगा ना इन घर वालों को। जा जाके पैसे लेके आ जा। बच्ची को छोड़ दे जोगिया। अच्छा, फेंक दे रे। नहीं। संजू भैया, क्या कैच पकड़ा है? ब्रिटानिया खाओ और वर्ल्ड कप जाओ। बच्ची को नीचे उतार। चला गोली, चला गोली। टुंडा हूँ। टुंडा है तो गुंडा कैसे बना दे? सॉरी सॉरी। कभी भूखा नहीं मरेगा, हर सिग्नल पे तेरा स्वागत है। क्या निकल? कमाल मिस्टर जोगिया, यू आर अंडर अरेस्ट। ले जाओ गन। वाह लल्ले, मान गया, ये दिल्ली तेरी कमजोरी है, ये दिल्ली तेरी ताकत है। जा यार, प्यार कर और शादी मना। तेरे एक एक मुक्के में 7-7 जन्मों का कमिटमेंट था, तो इसकी फिक्र मत कर, बच्चे को मैं संभालता हूं। खुश रहे यार, बाय। इस घर में आने के बाद मैंने हर बात झूठी कही, मेरी हर बात झूठी थी, लेकिन एक बात सच थी कि तुम वाकई खूबसूरत हो। किसी की भी जिंदगी संवार सको उतनी खूबसूरत। और तुम्हारी जिंदगी?
भूल जाओ मुझे एक पूरे सपने की तरह। संजू भैया आप ही ने कहा था ना जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी चाहिए, आने वाला कल हमेशा बाकी होता है। और कोई आपको माफ करे ना करे मैं आपको माफ करता हूँ। उठो ना संजू भैया प्लीज। तुमने तो मुझको मुझसे मिलाया है संजू, तुम बुरे कैसे हो सकते हो? मेरी नजर से देखो तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने अच्छे हो संजू। हमारे लिए बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। जब रिश्ता नहीं था तो इतने दिन रुक गए, अब रिश्ता है तो जा रहे। ए संजू अब मान भी जा वरना हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे कि एक आदमी हमें अच्छे अच्छे सपने दिखाकर चला गया। क्या डरी? Come on, बांधो इसे। कोई बात नहीं, आज मेरे गुस्से के शिकार तुम हो। Come on। वो गधा रेफरी कहाँ है? लक्ष्मण Come on। जवानी आ गई लेकिन बेटे अकल नहीं आई, इतना भी नहीं सोचा कि मेरा बाप स्टेशन पर आंखें बिछाए खड़ा होगा। लेकिन मैं क्या करता, लक्ष्मण ने बीच रास्ते में ट्रेन रोककर मुझे उतार लिया। ट्रेन रोककर उतार लिया, ये उल्लू का पट्टा तो है ही एकदम आवारा। डैडी खबरदार, आपको जो कुछ कहना है मुझे कहिए लेकिन लक्ष्मण को कुछ मत कहिए। क्यों नहीं कहूंगा, ये क्या मेरा बाप लगता है? मेरा हाथ क्यों पकड़ा? फाउल किसने किया है? इन्होंने फाउल किया है, रेफरी को मारता है। आपको मैं नॉकआउट पंच मारूंगा, नॉकआउट। आप देख रहे हैं, अबे 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 छोड़। क्या है डैडी, बुढ़े हो गए हैं? छोड़ दें तो छोड़ देते हैं। क्या कहा, बुढ़ा बुढ़ा होगा तेरा बाप? वो तो देख रहे हैं, मेरे अंदर अभी भी वही दमखा में समझे। देखा कौन जीता? सक्सेस। अब बोल कौन बुढ़ा? आप। बोल। नहीं नहीं मैं हूँ, मैं। डैडी हम दोनों हार गए, आप जीत गए। यू चीट? अब भी तुम दोनों ने मिलकर एक दूसरे को आंख मारी और कहता हम हार गए। पर खुर्दार मुझे तुझ पे नाज है, तू आज तक जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब होता आया है, लेकिन बेटे एक इम्तिहान और देना है। क्या? तेरी शादी। अरे शादी? लेकिन डैडी शादी कितनी जल्दी क्या है? जल्दी है माय सन, ये देखना घर कितना वीरान सा लगता है। तेरी बहू आएगी, घर में लक्ष्मी आएगी, कितनी चहल पहल हो जाएगी। इसलिए कहता हूँ बेटे फटाफट शादी कर लो। फटाफट शादी कर डाल, शादी कैसे थोड़ी होती है, उसके लिए लड़की भी तो चाहिए। अरे तू उसकी चिंता मत कर, तेरे प्रोफेसर अंकल आ रहे हैं एक से एक खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें लेकर। क्यों क्यों भाई? ठीक है कुमार, जिस तरह पुराने जमाने में किसी लड़की के स्वयंवर में बहुत सारे लड़के आते थे ना, उसी तरह आजकल के जमाने में तुम्हारे लड़के के स्वयंवर के लिए कितनी सारी लड़कियों की तस्वीरें लेकर आया हूँ। वेरी गुड, एक से एक सुंदर और सब कुमारियां।
बेटे जी, इनमें से अपनी पसंद की कोई भी एक लड़की चुन लो और फौरन शादी। लक्ष्मण देख ले भाई। चले देखने की कोई जरूरत नहीं है। वेरी गुड। दोनों भाइयों ने मिलकर मेरी पसंद का कचरा कर दिया और फिर उसे कचरे के डब्बे में डाल दिया। राम, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है डैडी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं पैंट के लिए कपड़ा नहीं, शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। वेरी गुड। अबे क्या खाक, वेरी गुड। मेरा मतलब इसके पसंद की लड़की के आसमान से टपकेगी? वो तो कब की टपक चुकी है। क्या मतलब? मतलब सवाल है तलाश का। देखो बरखुरदार, अगर एक हफ्ते के अंदर तुमने अपनी पसंद की लड़की नहीं तलाश की तो इनमें से कोई एक लड़की चुन के मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। इनमें से? ये मेरा ऑर्डर है। देखो बरखुरदार, मैं तो बिना शादी किए कमा रहा हूं, तुम शादी करवा के भी कुमारे के कुमारे रहोगे। जल्दी से कोई लड़की ढूंढ लो। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे भाई बहुत हो गई तलाश, हम तो थक गए। लगता है दुनिया में सुंदर लड़कियों का काल पड़ गया। पता नहीं लोगों की नजर चार कैसे हो जाती है। अरे साला यहाँ तो 3:30 भी नहीं हो पा रही। सोचता हूँ इस नजारे को आखिरी बार देख लूं और उसके बाद संन्यास ले लूं। ओए रुक जा लक्ष्मण, बैठ बैठ लक्ष्मण, बैठ बैठ जा, जल्दी कर। लक्ष्मण, लक्ष्मण मिल गई, जिस लड़के की तलाश थी वो मिल गई। देख देख, तू भी देख। अरे क्या बात है लड़की में, गुले गुलजार है, बागो बाहर है। जल्दी से बता मेरी पसंद कैसी है। What a beautiful place this is. हमें तो सचमुच प्रोफेसर रामाराव का शुक्रगुजार होना चाहिए जो उन्होंने बोटेनिकल रिसर्च के लिए हमें यहाँ बुलाया। शायद तुम्हें मालूम नहीं, राव सर यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा? अबे ओ, इतनी देर तक लड़कियों को नहीं देखना चाहिए। लक्ष्मण ये बता, है ना तेरी भाभी बनने लायक? क्या बात है लक्ष्मण, फिर एक काम करते हैं, सुन। ओके चल फिर। ये पेड़, ये हरियाली, ये खामोश वादियाँ, दिल करता है यही रह जाऊं। कहाँ, इस जंगल में? अभी तक तो सिर्फ तुमने नजारे देखे हैं, अगर यहाँ की वाइल्ड लाइफ देखोगी तो होश उड़ जाएंगे। अरे जाने दो। क्या जाने दो, फर्ज करो यहाँ कोई शेर आ गया तो तुम क्या करोगी? ये क्या करेगी, जो कुछ करना होगा शेर ही कर लेगा। तुम लड़कियाँ भी एकदम बुजदिल हो, हम लड़कियों में तो क्या हुआ, हमें भी अपनी हिफाजत करने के लिए एकदम तैयार रहना चाहिए। सेल्फ डिफेंस हम लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। आज मैं तुम लोग को सिखाती हूँ कि अपनी हिफाजत किस तरह करनी चाहिए। अरे बाटा रुक, मार डालूंगा आज मैं तुझे मार डालूंगा। अरे मुझे जाना क्या है? अरे अरे बैठ बैठ बैठ, भाग जा, मैं कह रहा हूं भाग जा। फिर कभी वापस आया ना, जान से मार डालूंगा। साला भाग गया तुम दबाकर। थैंक यू वेरी मच। अभी तक तो हमने टार्जन के बारे में किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज टार्जन को अपनी आंखों से देख लिया। अभी तक यकीन नहीं आता कि एक आदमी हाथी से लड़ सकता है। क्यों, आपने महाभारत नहीं पढ़ी है? उसमें एक भीम हुआ करता था, अरे उसने तो ऐसे कितने हाथियों की ऐसी तैसी कर दी। अरे ये तो मेरा क्या मेरा मतलब है 10वां मौका है। मेरा जन्म तो इस धरती पर
आप जैसी खूबसूरत लड़कियों की हिफाजत के लिए हुआ है। कल की बात है, कल की बात है, मैंने 20 लड़कियों की जान बचाई हाथी से। अरे ये हाथी तो उसके सामने बच्चा है, वो कोई और जानवर था। क्या जानवर था वो? जान अब मैं क्या बताऊं, अंधेरा था, ठीक से दिखाई नहीं दिया, लेकिन उन लड़कियों ने मेरी बहादुरी देखकर कह दिया हटारी। अच्छा तो मिस्टर हटारी, देखिए आप गलत कह रही है, मेरा टाइटल हटारी है, मेरा नाम राम है। मिस्टर राम हटारी, मेरी समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया किस तरह से अदा करूं। देखिए मीना, ऐसे शानदार हीरो को एक शानदार पार्टी देनी चाहिए। सिर के बल चल के आऊंगा, लेकिन कहाँ? हम लोग गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, आप कल शाम को जरूर आऊंगा। बाय 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 बाय। लक्ष्मण, अरे तूने तो कमाल की एक्टिंग की है। मामला जम गया, मामला जम गया, लड़की फंस गई, मामला जम गया, लड़की फंस गई। चल लक्ष्मण चल, घर चलते हैं। क्या आदमी था, जालिम ने तो हाथी की हड्डी पसली बराबर कर दी। क्या बिजली की तरह वार कर रहा था ना, वो देखो राम हटा दी। अच्छा तो ये इसका ट्रेन हाथी है। तभी तो मैं सोच रही थी बिना ये ड्रामा उसने जानबूझकर किसी मतलब से किया है। पार्टी कैंसिल। नहीं शोभा, पार्टी होगी, पर ये पार्टी वो जिंदगी भर याद रखेगा। थैंक यू। आइए आइए, हाथियों के शिकारी महाभारत के भीम मिस्टर राम हटारी। मिस बिना, इतने शानदार ढंग से मेरा स्वागत आज तक कहीं नहीं हुआ। इसके बाद होगा भी नहीं जी? इस धरती पर मेरा जन्म आप जैसे महापुरुषों के स्वागत के लिए हुआ है। वेरी नाइस। आइए बैठिए। थैंक यू। ये सब आपकी फैमिली में है? आई मीन वेरी हेल्दी फैमिली। जी हाँ, जहाँ आप जैसे बहादुर खाने वाले हों वहाँ खिलाने वाले भी हेल्दी होने चाहिए। जी हाँ जी हाँ। इनसे मिलिए, ये हैं बांके बिहारी ऑफ बाराबंकी, बॉक्सर हैं। बॉक्सर? ओह यस। हेलो मिस्टर बांके बिहारी ऑफ बाराबंकी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे बाबे, अरे ठीक है, सब ठीक है, दावत की शुरुआत बहुत अच्छी रही। इतना ही नहीं, इनसे मिलिए, ये है कलकत्ता के ऊंची मूंची कराटे चैंपियन है। नमस्ते। अरे आप तो बहादुर हैं, आगे बढ़िए, हाथ मिलाइए। नहीं क्या है? देखिए अरे भैया, अरे भाई, अरे धीरे घुमा रे भैया। ये पहलवान कहाँ से आ गया भैया? और मैंने आपकी इस हेल्दी फैमिली को खाना खिला दिया। अरे हाँ, और अगर कभी किसी को इस तरह का खाना खिलाने की जरूरत महसूस हो तो इस बंदे को याद कीजिएगा। बाय। प्यार का प्यार से, वार का वार से। बाबा क्या जवाब दिया है उसने? ये जवाब उसे महंगा पड़ेगा। हमने और कोई हरकत की तो सबकी छुट्टी हो जाएगी। नहीं, अगर मैंने अपनी नजरों के वार से उसे अपने कदमों पे नहीं चुका दिया तो मेरा नाम भी मीना नहीं। हराम घोर, मेरा ही खाता है, मेरा ही दारू पीता है और मुझे इलाज मारता है। मैं तो सुना दारू पीने के बाद जो भी शेर बन जाता है, और तू घोड़े से गधा बन गया। घर में बताता हूँ, एक दूंगा। अरे इस बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हैं? अरे मेम साहब, आप इसे बेजुबान कहते हैं, ये बहुत हरामी है। आजकल का घोड़ा है ना, बेईमान में आदमी से चार कदम आगे भागता है। जब दारू पीने का टाइम आता है ना, कुत्ते की तरह दूम हिला रहा है, और मैं जब इस पे किसी को बिठाता हूँ उसका हड्डी पसली एक कर देता है। ओह वेरी गुड, मुझे ऐसे ही घोड़े की तलाश थी। वेरी गुड, अस्पताल जाने का इरादा है क्या? मुझे नहीं, मैं एक बहुत बड़ी गप्पी को सबक सिखाना चाहती हूँ। वो घमंडी कहता है
कि वो किसी भी जंगली जानवर को सीधा कर सकता है। मैं उस जंगली को सीधा करके अपने चरणों पे गिराना चाहती हूँ। तो मेरा घोड़ा उसे ऐसा सीधा करेगा कि उस खानदान में कभी टेढ़ा पैदा ही नहीं होगा। लेकिन इस बेवड़े पे खर्च करना पड़ेगा। कितना? अभी बता रहा हूँ। अगर इस घोड़े पे से धक्का मार के उल्टा गिराना है तो एक दर्जन राम, और फुटबॉल की तरह हवा में उड़ाना है तो दो दर्जन राम। बोलिए कौन सा सबक सिखाना है? पूरा दो दर्जन वाला। लाइए माल, लाइए। ये लो। लेकिन ये राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओहो, अब फिर तो दो दर्जन राम और चाहिए ये जुबान बंद रखने के लिए। मुझे मंजूर है, ये लो। बहुत माल कमाया। आज शाम को दोनों घोड़े लेके झील के किनारे आ जाना। दो घोड़े? दो आदमी को अस्पताल भेजना चाहती हो क्या? नहीं, एक ही को। शराबी घोड़े पर वह अटारी बैठेगा और शरीफ घोड़े पर मैं। अच्छा तो मैं चलती हूँ, भूलना नहीं। नहीं, चलो। भूलूंगा कैसे? क्यों बेटे, आज जितना गधापन दिखा सकते हो दिखा डालो। मिस्टर राम हटारी। अरे आप। इस वक्त मैं भगवान से जो कुछ भी मांगती मुझे मिल जाता। मैं समझा नहीं। मैं आपकी तलाश में निकली थी और आप मिल गए। सच मानिए, उस दिन की भूल से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देंगे मेरा खाना पीना भी हराम है। कह दीजिए ना मुझे माफ कर दिया। जितनी मीठी आप हैं उससे ज्यादा मीठी आपकी बातें। चलिए आपको माफ कर दिया। ओह थैंक यू। चलिए उस तरफ चलते हैं, वहाँ इत्मीनान से मीठी मीठी बातें करेंगे। यू मीन गेस्ट हाउस? नहीं, वहाँ जहाँ तन्हाई हो, आप हो और मैं। तो फिर जल्दी चलिए ना। ऐसे सुहाने मौसम में तो प्यार करने वाले क्या चाहेंगे? एक दूसरे को देखना, नजरों से बोलना और दिल से सुनना, बस। तो और क्या? घुड़सवारी। घुड़सवारी? हाँ, देखिए। ए भैया। अरे कौन है? कितना पैसा? एक घोड़े के एक घंटे के लिए 20 रुपए और 5 घंटे का पैसा पहले ही लूंगा। ये बच्चू है, ये मुन्नी है। आपको बच्चू पसंद है या मुन्नी? मेम साहब के लिए मुन्नी ठीक रहेगी। आइए। कम ऑन, संभाल कर। कम ऑन। साहब आप बहुत अच्छा चलाना जानते हैं। सत्यानाश हो गया। साहब मेम साहब घोड़े को राम पिलाकर आपको गिराना चाहती थी। क्या बकते हो? गलती से खुद ही शराबी घोड़े में बैठ के चली गई। जान खतरे में बचा लीजिए। अब मैं क्या करूं? अच्छा। मजा आ गया। हट। अच्छा ही हुआ अपने बचा लिया ना। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान का। अरे आप तो असली हटारी निकले। मैम सब शिकार खेलने निकली थी, खुद ही शिकार हो गई। अच्छा ही हुआ। ये घोड़ा, घोड़ा। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आई एम सॉरी, मैं जरा लेट हो गया। सर आप? हाँ। अभी अभी खजरत आए थे आपकी बीमारी की खबर लेकर। हाँ? और कहने लगे मुझे राव सर ने भेजा है। क्या? अरे हाँ, और पढ़ाई के बहाने मीना को भी अपने साथ ले गया। वेरी गुड। वो रहा। Who is this? Hey, you, come here, fraud, इधर आओ। मैं अभी से सीधा करके रख दूंगा। मतलब क्या है? जवान लड़कियों को इस तरह से फैलाना फुसलाना, मैं सीधा करके रख दूंगा। कहीं का कौन है बेब? सर आपने कहा था ना कि आपके पेट में थोड़ी सी तकलीफ है, समझ जाइए ना।
यस, अब जरा बेटर है। गर्ल्स, ये मेरा पुराना स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट, राम, MSc, बॉटनी, गोल्ड मेडलिस्ट। इज इट? यस, वेरी ब्रिलियंट बॉय। राम, तुम अपनी क्लास उधर जारी रखो, मैं इन लड़कियों का आज का लेसन इधर पढ़ाता हूँ। थैंक यू सर। वेरी गुड। तो गर्ल्स, आज का टॉपिक है रोज, इंग्लिश का मतलब रोज मैरिनेस ऑफिसिनेलिस। बारिश तो बंद हो गई। रोज यानी गुलाब की एक नस्ल, गुलाब की वो किस्म जिसे मलका नूरजहां ने शहंशाह जहांगीर को जब पेश किया तो उसे सूंघकर वैसे बेहोश हुए कि दोबारा नहीं उठे, और फिर उसी फूल की नस्ल को आजकल का प्रेमी अपनी प्रेमिका के जूड़े में लगा देता है, और सूख जाने के बाद वही फूल प्रेमिका अपने प्रेमी के कोट में लगा देती है, और वही फूल अब घूमता घामता। ये क्या, ये सब फूल मुझे फूल बना के? बदतमीजी है, पूछो इससे। मिस्टर राम, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारा बाप पूछ रहा। इनसे कहिए ये बदतमीजी नहीं है, ये फोटो है जिनमें मैं हूं और मेरे साथ एक लड़की है, खूबसूरत। वो तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन इससे ये पूछो कि इस हरकत के पीछे इसका इरादा क्या है? पूछो। इरादा क्या है बताओ। LOVE, लव। वेरी गुड। LOVE, लव यानी प्यार, मोहब्बत, प्रेम, इश्क, दोस्ती। मिस्टर डिक्शनरी, ये प्यार व्यार हमें कतई पसंद नहीं। शादी से पहले प्यार का क्या मतलब, पूछो इससे। प्यार के बाद भी शादी हो सकती है, कहिए इनसे। जो बच्चे बड़ों का कहना नहीं मानते वो बच्चे बच्चे नहीं है, और जो बड़े बच्चों के अरमानों का ख्याल नहीं रखते वो बड़े बड़े नहीं है। प्रोफेसर, लगा उसको, लगाइए इनको। अरे लगाइए ना। अरे रोको, अरे लगाइए। रोको, बाप बेटे मिलकर मेरी दुआई कर रहे हैं, कमाल है। अरे अजीब बात है, थोड़ी देर पहले तो अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए अपने बेटे की तारीफ कर रहा था। सच? और अब देखो तो गिरगिट की तरह रंग बदल के खड़ा हुआ। अंकल, मैं समझ गया। क्या? इसे रंग बदलना नहीं कहते, ये मेरा इम्तिहान ले रहे थे। माय स्वीट डैडी। ठीक है मिस्टर प्रोफेसर, हमें कोई एतराज नहीं है। तो फिर लड़की वालों को भी कोई एतराज नहीं है। बहुत लड़ाई हो गई, माफ करो यार। तो फिर ऐसा करते हैं, इसे लड़की वालों के यहाँ भेज देते हैं ताकि लड़की की माँ से देख ले। तो तुम फौरन उनसे बात करो। आज ही खत लिखता हूँ। और मैं चलने की तैयारी करता हूँ। अरे बेटा हो तो ऐसा, अरे बाप हो तो ऐसा। कामयाबी। किस बात की कामयाबी? तुम्हें पाने में जो कामयाबी मिल गई। अच्छा, इससे पहले तो मैं कामयाब हो चुकी हूँ। वो कैसे? कच्चे धागे से बंधे से चले आए हो। मीना, मम्मी, ये राम है। जीते रहो बेटा, प्रोफेसर साहब ने जैसे बताया था वैसे ही तुम्हें पाया। बैठो। अपनी बेटी की पसंद मुझे बहुत पसंद है। बेटा, एक बात पहले ही साफ कह दूं, मीना के पिता नहीं रहे, घर की सारी जिम्मेदारी मीना का बड़ा भाई राकेश संभालता है। हमसे जितनी बन पड़ेगी हम जरूर करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा दहेज। नहीं माँ जी, मैं तो सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। फिर भी तुम्हारे डैडी? आप डैडी की बात छोड़िए माँ जी, वो तो मेरे दोस्त हैं, आई मीन बॉक्सिंग पार्टनर, लेकिन उनमें एक ही बुरी बात है, DSP है ना, वो क्या करते हैं, दहेज देने वाले और लेने वाले दोनों को पकड़ लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ आपकी भी छुट्टी और मेरी भी छुट्टी। मीना, तुमने अच्छा लड़का चुना है। अच्छा, तुम लोग बातें करो, मैं मिठाई लेके आती हूँ। एक मिनट। With love, ऐसे गुजर रहे हैं ये दिन आपके बगैर जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। वाह, अब जनाब शायर भी हो गए। आधा वर्ष है। अच्छा मीना, हमारी सगाई हो रही है और तुम्हारे भाई साहब को पता नहीं? भैया एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं जिसके ब्रांचेस दुनिया भर में हैं, इसलिए भैया काम से अक्सर बाहर ही रहते हैं, कभी लंदन, कभी जापान, कभी हांगकांग, फिलहाल वो सिंगापुर में हैं। तो क्या वो शादी के दिन भी सिंगापुर में? नहीं बेटा, राकेश के आते ही मैं शादी का मुहूर्त निकलवाऊंगी, कन्यादान भी तो वही करेगा। लो, मुंह मीठा कर लो। क्या हुआ माँ जी?
ये खूनी जानवर है, हत्यारा है। एक हाथी ने मेरा सुहाग छीन लिया, इससे पहले कि ये कुछ कर बैठे इसे यहाँ से निकाल दो। माँ जी, मीना के डैडी की बात सुनकर मुझे भी दुख हुआ, लेकिन इसे मेरे पिताजी ने पाला है, ये मेरा है। ये तुम्हारा हाथी है, पहले से निकालो यहाँ से। मम्मी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कहती हूँ, मैं ऐसे घर में तुम्हारा रिश्ता नहीं कर सकती जहाँ दिन रात मुझे तुम्हारी मौत का डर लगा रहे। माँ जी, लक्ष्मण रुक जा, लक्ष्मण उसे। मम्मी, तुम क्या समझती हो, संसार के सारे हाथी एक जैसे होते हैं? तुम्हारा वहम मेरा सपना तोड़ देगा, ऐसा मत करो। तुम चुप रहो। देखो बेटा, मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं, लेकिन यह हाथी तुम्हें बेचना पड़ेगा। ये कभी नहीं हो सकता माँ जी। फिर तो तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, मीना को या उस जानवर। बस बहुत हो चुका है, जिसे आप जानवर कह रही है वो मेरा भाई है, बचपन से मेरे सुख दुख का साथी। आप एक मीना की बात करती हैं, ऐसी लाख मीना मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने भाई लक्ष्मण को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। राम, राम, मीना, माँ, राम को रोको। अच्छा हुआ इस बात का पहले पता चल गया, जो आदमी एक जानवर के लिए तेरा रिश्ता ठुकरा सकता है, उस आदमी को मैं तेरा हाथ हरगिज नहीं दूंगी। लक्ष्मण, रुक जा लक्ष्मण। क्या हो गया तुझे? किसी ने तुझे बुरा भला कह दिया और तू मुझे छोड़ के जा रहा है? चल घर वापस चलते। सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो घर वापस चलो। नहीं चलेगा, तेरी ये हिम्मत नहीं चलेगा। मैं तुझे मार मार के घर ले जाऊंगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बोल, नहीं चलेगा, तेरी ये हिम्मत, बोल, 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 बोल। मैं जानता हूं लक्ष्मण, तू मेरी और मीना की शादी में रुकावट बनना नहीं चाहता, लेकिन तू क्या समझता है तेरे बगैर मैं जिंदा रह सकूंगा? तू भी कान खुलकर सुन ले, जो भी तुझे नफरत की नजर से देखेगा मैं उसे अपने दिल से निकाल दूंगा, लेकिन तुझे नहीं छोड़ सकता मेरे भाई। चल घर चलते हैं। लक्ष्मण की वजह से शादी नहीं हो सकती। अरे तो इसमें उदास होने की क्या बात है बेटे? इश्क करने वाले इन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते। मुझ पे छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। बी चेयरफुल, हंसता हुआ चेहरा रखो। दिल छोटा नहीं करते बेटे, सब ठीक हो जाएगा। हम इस बात को भूल ही जाएं तो बेहतर है। अच्छी बात है, अगर आपकी यही जिद है तो मैं आपसे वादा करता हूं, राम की शादी के बाद मैं लक्ष्मण को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। चाय लीजिए। जी नहीं, मैं ये चाय तब तक नहीं लूंगा जब तक आप इस रिश्ते के लिए हां नहीं कहेंगे। मीनू, मीनू। आइए विकी साहब। मीनू, आई एम रियली सॉरी मैं कल नहीं आ सका, तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा। Please.
गाड़ी मिल जाए। चलो विकी। अंकल ये है विकी साहब, शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, भैया इन्हीं की कंपनी में काम करते हैं। विकी साहब ये है डीएसपी कुमार, राम के डैडी हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। प्लीज टू मीट यू। नहीं विकी साहब, हमारे यहाँ दस्तूर है कि हर नई मुलाकात पर दाहिना हाथ मिलाया जाता है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। आई एम सॉरी मिस्टर विकी। इट्स ओके। मिसेस चौधरी, आज आपके घर आना मेरे लिए बहुत ही शुभ रहा। मुझे आशा है कि इस रिश्ते की मंजूरी की खबर मुझे बहुत ही जल्द मिल जाएगी। अच्छा नमस्ते। नमस्ते मिस्टर विके, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, इत्मीनान से। नमस्ते। अच्छा बेटे। अच्छा जी। विकी साहब, विकी साहब जी बैठे ना। देखिए मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं बाद में आऊंगा। अच्छा नमस्ते। मुझे यकीन है आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। पिछले कई बरसों से मैं तो पिछला सब कुछ भूल चुका हूं। अपनी जिंदगी पर लगे तमाम धब्बे मैंने बड़े एहतियात से धो डाले हैं। खून के छींटों के धब्बे इतनी आसानी से नहीं धुलते विक्टर। विक्टर मर चुका है कुमार साहब, अब मैं विकी हूं, जिसका इस शहर में रुतबा है, दौलत है, इज्जत है। कल मैं कॉरपोरेशन का चुनाव जीत सकता हूं, परसों शहर का मेयर बन सकता हूं। बेशक समाज में तुम जैसे भेड़ की खाल में छुपे भेड़ियों की कमी नहीं, और मैं शहर में भेड़ियों की हुकूमत नहीं होने दूंगा। भेड़ियों के समाज में एक भेड़ कब तक खैर मनाएगी कुमार साहब। करो विकी, बहुत जल्द तुम्हारे इन हाथों में हथकड़ी होगी और गले में फांसी की रस्सी। उस वक्त तुम्हें उन मासूम जवानों के चेहरे याद आएंगे जो तुम्हारी गोलियों का निशाना बने थे। कुमार साहब मुझे कानून के हवाले करके आपको क्या मिलेगा? कोई छपा हुआ कागज का टुकड़ा या कोई मेडल जिसे इंसान ना तो खा सके, बिछा सके, ना ओढ़ सके। इसीलिए मेरी मानिए, भूल जाइए कि आप मुझसे कभी मिले थे, और मैं आपको इतना माला माल कर दूंगा कि आपकी आने वाली सातों पीढ़ियां आराम से खाएंगी। रिश्वत देना चाहते हो मुझे? नहीं कुमार साहब, रिश्वत तो एक निहायत घटिया लफ्ज है, डिक्शनरी में इसके लिए कई बेहतर लफ्ज हैं, जैसे तोहफा, नजराना, भेंट। मैं कफन बेचने का धंधा नहीं करता। तो आप अपने सीने पर एक और मेडल लटकाए बिना नहीं मानेंगे? हरगिज नहीं। शहर में चुनाव होंगे लेकिन उनमें तुम्हारा नाम नहीं होगा। इंस्पेक्टर प्रेम। कुमार साहब आप बैठी बैठी। नहीं नहीं मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे वो पुरानी ट्रेन रॉबरी वाली फाइल चाहिए। पुरानी ट्रेन? हाँ याद आया, बैठिए मैं अभी देता हूँ। इट्स ऑल राइट। कुमार साहब ये लीजिए फाइल। शुक्रिया प्रेम, शुक्रिया। नमस्ते। राम, राम जी। डरे? अरे ये तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है बेटे? तेरा केस सॉल्व हो गया, बहुत जल्द मैं तेरे सर पे सेहरा बंधा हुआ देखूंगा। डैडी। और बेटा सुन, मुझे एक जरूरी काम है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। लक्ष्मण! हराम सारा कुमार, विकी बरसों पहले जो हमने अपने चेहरों पर शराफत का नकाब लगाया था, उसे हमारी दौलत और रुतबे ने हमारा असली चेहरा बना दिया है। शराफत की आड़ में हमारे काले धंधे चल रहे हैं, इसमें हमारा लाखों रुपया लगा हुआ है, और आज अचानक ये कुमार का बच्चा हमारी बरसों की मेहनत पर पानी फेरना चाहता है। इसीलिए हमें जल्द से जल्द
उसका नाम शहीदों की लिस्ट में दर्ज करवा देना चाहिए। राइट। और ये नेक काम हमें अपने हाथों से करना चाहिए। We'll do it. सर्जन, मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, लेकिन ये काम बहुत जरूरी है। कौन सा काम? ये मेहमानों की लिस्ट है, आप जरा चेक कर लीजिए। मेहमानों की लिस्ट? जी, कल आपका गोल्डन जुबली बर्थडे, आपने हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली। जी हाँ, और हम आपका 50वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। मैं प्रेजेंट लेने शहर जाऊंगा, लक्ष्मण कार्ड बांटने जाएगा, तब तक अब ये लिस्ट चेक कर लीजिए। ठीक है बेटा, बहुत जल्द तेरी शादी के कार्ड भी छपेंगे, जिसे मैं और लक्ष्मण बांटे जाएंगे। आई लव यू माय सन। आई लव यू ओल्ड मैन। सॉरी डैड, आई लव यू डैड। अच्छा चल लक्ष्मण। लक्ष्मण तू सबको कार्ड बांट दे, मैं तब तक डैडी के लिए कपड़े खरीद लेता हूँ। जा। हेलो मिस्टर खन्ना। हेलो मिस्टर राम। हाय, कल डैडी का बर्थडे। अच्छा, आप कुछ अच्छे कपड़े दिखाइए। आइए आइए, दिखाता हूँ। लक्ष्मण क्या बात है, इनविटेशन कार्ड, वेरी गुड। तुम हमारे गुनाहों की फाइल को नई जिंदगी दे रहे हो, हम तुम्हारी जिंदगी की फाइल को बंद करने आए हैं। मुझे मौत की धमकी दे रहे हो? मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, और वो है गुनाह को खत्म कर देना या गुनाहों के हाथों खत्म हो जाना। कैसे हो गया लक्ष्मण, ये सब कैसे हो गया डैडी? तो क्या क्या डैडी बोलिए। लक्ष्मण जानता डैडी, डैडी आपके खून की एक एक बूंद का बदला लूंगा। ये जुल्म जिसने भी किया है
उन्हें मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और उन्हें इस तरह मारूंगा कि मौत भी उसका अंजाम देकर कांप उठेगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा। दिल छोटा ना करो मीना, राम अपने डैडी के कातिलों को ढूंढने के लिए गया हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा और फिर बहुत जल्द ही तुम दोनों के अरमान पूरे हो जाएंगे। लक्ष्मण, ये क्या कर रहा है? लक्ष्मण क्या बात? लक्ष्मण, इस गाड़ी से कातिल का कोई ताल्लुक है क्या? ये वही गाड़ी है, बोल। तू उस गाड़ी का सही नंबर जानता है? बोल ना। चल लक्ष्मण, इसमें से गाड़ी का नंबर बता। चलिए बता लक्ष्मण। एक्सक्यूज मी। यस। मैंने रास्ते में एक खूबसूरत गाड़ी देखी जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। गाड़ी का नंबर है MRP 5791। आप उस गाड़ी के मालिक का नाम और पता बता सकते हैं? ठहरिए, मैं अभी बताता हूँ। मिस लिली, नंबर 10 लेमिंगटन रोड, बॉम्बे 4। थैंक यू। दैट्स ऑल राइट। यस, कमिंग। मिस लिली। यस, मैंने आपको पहचाना नहीं। देखिए, इससे पहले हम लोग कभी नहीं मिले। मैं बहुत जरूरी काम से आपसे मिलने आया हूँ। देखिए, अगर आप किसी होटल की तरफ से मेरे डांस प्रोग्राम के लिए आए हैं तो आई एम वेरी सॉरी। मैंने ब्लू स्टार क्लब के साथ एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, इसीलिए मैं। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो सिर्फ ये जानने आया हूँ कि आपकी गाड़ी का नंबर MRP 5791 है या नहीं। क्यों, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है क्या? जी नहीं, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, वो कार तो मैंने एक महीने पहले ही बेच दी है। बेच दी? किसे बेच दी? लगता है वो कार आपको जरूर से ज्यादा पसंद आई। खैर, मैं आपको पता बता देती हूँ। मिस्टर सुंदरलाल, रूम नंबर 9, शांति दूत, मोहन नगर। शुक्रिया। चल। हेलो। हेलो, मैं लिली बोल रही हूँ। अभी अभी एक आदमी आया था, MRP 5791 के बारे में पूछ रहा था। अच्छा, उसके साथ एक हाथी भी था। हाथी? तुमने उसे क्या बताया? मैंने उसे जग्गू के घर का पता दे दिया। बहुत अच्छा किया। मैं फौरन जग्गू को फोन कर देता हूँ। उस आदमी का जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है।
बताना तुम, उस गाड़ी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? बताता हूँ। चलिए। किसने भेजा था तुम लोगों को? बता। छोड़ मुझे, अभी बताता हूँ। लक्ष्मण, लगता है दुश्मनों ने हमें पहचान लिया है। आगे हर कदम पे खतरा है। ऐसा कर, तू उस मंदिर में जाकर छुप जा। जरूरत पड़े मैं तुझे मिल लूंगा। जा। तुम लोगों का दिमाग फिर गया है क्या? गोली राम के सीने में उतारनी थी और तुमने अपने आदमी को मार डाला। अगर वो हमारा पता बता देता तो हम सब मारे जाते बॉस। राम आदमी नहीं शैतान है। एक ऐसी आंधी जिसे रोका नहीं गया तो हम सबको निकल जाएगी। नहीं लीली, मेरे पास भी एक तूफानी इंसान है जो इस आंधी को भी उड़ा देगा। कौन है वो? राका। ये तो ठीक है, लेकिन राका तो जेल में है। अगर विकी को राका की जरूरत है तो उसे कोई भी जेल की दीवार रोक नहीं सकती। क्यों राका घर चल दिए? वापस कब आ रहे हो? राका और आंधी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकते हैं। मीनू। भैया, भैया। कैसी है हमारी बहन? कैसे भैया हो तुम? एक चिट्ठी भी नहीं लिखी। अरे चिट्ठी की क्या बात है, ये देखो इतनी बड़ी चिट्ठी तुम्हारे सामने आ गई। माँ। अरे माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी अच्छी माँ। कैसी है माँ? रहने दे, घर आकर प्यार जताता है, बाहर महीनों तक माँ की याद नहीं आती। अरे माँ क्या बताऊँ तुम्हें, पहले हांगकांग ब्रांच गया, वहां का सारा अकाउंट चेक करना था। वहां से पता चला कि जापान की ब्रांच ने हड़ताल कर दी है, उधर भागा। और सिंगापुर की ब्रांच में तो कमाल हो गया, किसी जालसाज ने कंपनी के पूरे $5,00,000 यानी कि 40,00,000 रुपए हड़प लिए। बस माँ क्या बताऊं तुम्हें, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। भैया तुम्हारा सामान कहाँ है? सामान? सामान कस्टम में पड़ा है। तू घबरा मत, तेरे लिए इतनी साड़ियां लाया हूँ। सच? हाँ, तेरी शादी जो करनी है। मीनू, मीनू माँ, क्या हुआ इसे? आओ बैठो, मैं सब कुछ बताती हूँ। मीनू, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। पिताजी की मौत को शायद वो अभी तक भूल नहीं पाई, इसलिए उसने ये रिश्ता मंजूर नहीं किया। लेकिन तू घबरा मत, अब तेरा भाई आ गया है, तेरी शादी उसी के साथ होगी जिसे तू चाहती है। मैं खुद अपने कंधों पर तेरी डोली उठाकर तुझे तेरे दूल्हे के घर छोड़ाऊंगा, ये मेरा वचन है। भैया अब तो हंसो, हंसो। भैया तुम तैयार हो जाओ। क्यों, उससे मिलने की इतनी जल्दी है? थर्ट? तो मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी, मेरी मुराद पूरी हो गई है, तुम मेरे साथ मंदिर चलो। ठीक है, मंदिर हो आते हैं। हेलो। हाय किलर, कैसे हो तुम? तुमसे मिले तो जमाना बीत गया। काम की बात करो।
कभी हमारा भी काम तमाम कर दो। खैर छोड़ो, विकी साहब ने तुम्हें याद किया है? योर जॉब इज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, मैं मंदिर होके आता हूँ। मंदिर? बिल्ली और हज को जा रही है? भगवान तुम्हारा आंचल खुशियों से भर दे, मेरी यही कामना है। भैया, अपने लिए भी भगवान से कुछ मांग लो। फगली, तेरे भैया के लिए तुझसे बढ़कर दुनिया में कोई चीज कीमती नहीं। आज मैं भगवान से यही प्रतिज्ञा करने आया हूं कि तेरी शादी उसी से करूंगा जिसे तू चाहती है। राका मेरे अजीज, यार जब तुम हांगकांग या सिंगापुर में रहते हो तो ऐसा लगता है मेरे दोनों बाजू कट गए। क्या बात है विक्की साहब, बहुत प्यार से गले मिल रहे हो, कहीं गला काटने का इरादा तो नहीं? अरे हम पर शक मत करो राका, आ बैठो। विक्की तुम्हारे हुनर का गुलाम है। बहुत हो गया विक्की साहब, अभी मतलब पर आ जाइए। कहिए, किसी बैंक की तिजोरी तोड़नी है इस बार? नहीं, किसी की गर्दन काटनी है। गर्दन? आपका मतलब है कत्ल? ओह नो, नो मर्डर, सॉरी विक्की साहब, रॉन्ग नंबर। नहीं राका, अगर वो आदमी नहीं मरा तो विक्की मर जाएगा। सोचो पर तुम्हारे धंधे का क्या होगा। तुम अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते हो, तुम्हें बहुत रुपयों की जरूरत है। क्यों? राका, तुमने सोचना कब से शुरू कर दिया? लिली प्लीज, विक्की साहब, अब मैं अपनी माँ और बहन से अपनी असलियत ज्यादा दिन नहीं छुपा सकता। इससे पहले कि उन्हें मेरी काली जिंदगी का पता चल जाए, मैं गुनाह से तौबा करना चाहता हूँ। तुम शरीफ बनना चाहते हो? ठीक है, शरीफ बनो, लेकिन शराफत के लिए भी दौलत चाहिए। फैसला कर लो। ठीक है विक्की साहब, मैं अपनी बहन की खुशी के लिए एक आखिरी गुनाह करूंगा। मैंने अपनी बहन से वादा किया है कि उसकी शादी उसके मनपसंद लड़के से बड़ी धूमधाम से करूंगा, और उसके लिए मुझे रुपया चाहिए। कहिए, किस बदनसीब की मौत आई है? यह हुई ना बात, देखो यह है वो आदमी। हेलो, मैं राम बोल रहा हूं। राम? तो समझ लो मुन्ने, तुम्हारा राम नाम सत्य हो गया। मैं मुर्दों की बात का बुरा नहीं मानता, लेकिन ये तो बताओ कौन से कब्रिस्तान से बोल रहे हो? चहक लो मुन्ने, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैंने तुम्हारी मौत के दस्तावेज पर अपने दस्तखत कर दिए। लाल घाटी की मिट्टी तुम्हारे खून की प्यासी है। मां का दूध पिया है ना, अपना कफन साथ लेकर पहुंच जाना उधर। जरूर आऊंगा, लेकिन अपने कफन का नाप तो बता दो। ये हुई ना मर्दों वाली बात। सुना है तुम एक बहादुर इंसान हो, इसलिए एक लालच दे रहा हूं। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें उसका पता मिल जाएगा जिसकी तलाश में तुम भटक रहे हो। हाँ, अगर मैं जीत गया तो मुझे 1,00,000 रुपया मिलेगा। मैं आ रहा हूं। लाल घाटी, सुबह की पहली किरण के साथ तुम्हारा इंतजार करूंगा। यहां कोई आया था क्या? भाई साहब, ए बुड्ढे, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यहां कोई आया था? नहीं तो। तुम्हारा नाम राम है? हाँ। अच्छा,
तो ये गड्ढा तुम्हारे लिए ही खोज रहा हूँ। हमारे साहब का हुक्म है। तुम्हारा साहब कहाँ है? वो ऊपर है। इस कपड़े को 4 इंच चौड़ा, 4 इंच और लंबा कर दो ताकि तुम्हारा सांप इसमें आराम से सो सके। मुन्ने, अपने आप पर इतना भरोसा है तुम्हें? लक्ष्मण ने इसे बचा लिया, वरना इसकी मौत मेरे हाथों लगी थी। राकेश, भैया राकेश, राकेश, राकेश बेटा, राम, माँ ने मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दिया, इसका बदला तुम दोनों ने मेरे भाई से लिया। इन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मैंने क्या बिगाड़ा था इसका, जो ये मेरा खून करने आया था? एक तो तुमने इसे मार डालने की कोशिश की और ऊपर से झूठा इल्जाम लगा रहे हो। माँ जी, आप नहीं जानती, आपका बेटा एक पेशावर मुजरिम है। इसने कई घर उजाड़े हैं, कितने मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। आपका बेटा दिन के उजाले में राकेश और रात के अंधेरे में राका है। ये सब झूठ है। ये झूठ नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आता तो अपने भाई से पूछ लो। राकेश, सुना तुमने, ये क्या कह रहा है? कह दो इसे कि ये सब झूठ है। नहीं मां, ये सच है। क्या? मैं किसी कंपनी में काम नहीं करता, मैं कभी विदेश नहीं गया, मैं जितनी बार जेल गया हूं उतनी बार तुम लोगों से झूठ बोला मैंने। तो ये घर, ये दौलत, तुम्हारी दी हुई 2 वक्त की रोटी, इन सब में तुम्हारे गुनाहों का जहर भरा हुआ है। मेरे ही खून में कोई खोट है जिससे तुम जैसे औलाद को मैंने जन्म दिया। नहीं माँ, ऐसे मत कहो। खबरदार जो मुझे माँ कहा, मैं राकेश की माँ हूँ, राका से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं एक ही दिन में राकेश से राका नहीं बना। मैंने सारी सारी रात तुमको लोगों के कपड़े सीते हुए देखा है, एक एक रुपए के लिए लोगों को तुम्हारा अपमान करते हुए देखा है। मैंने अपनी छोटी बहन को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हुए देखा है। अगर मैं राकेश से राका बना हूँ तो तुम दोनों की खुशी के लिए। भैया, अगर तुम मजदूरी करते, हमें किसी झोपड़ी में रखते
तो क्या मैं कह देती कि मैं एक मजदूर की बहन नहीं बनूंगी? या माँ को एक मजदूर की माँ कहलाते हुए शर्म आती? तुम सच कह रही हो मीना, मैं भटक गया था। तुम लोगों को दुनिया भर की खुशियां देने के लिए मैं सबकी खुशियां छीनता रहा। मुझे माफ कर दो माँ। नहीं माँ, तुम मेरे गुनाहों की जो सजा देना चाहो दे दो, लेकिन मुझसे नफरत न करो। माँ जी, एक भटका हुआ राही वापस लौट आया है। अगर इस वक्त आपने इसे सहारा नहीं दिया तो यह गुनाहों के अंधेरे में गुम हो जाएगा। बेटा बुरा हो सकता है, मां संगदिल नहीं हो सकती। मां, चल लक्ष्मण। रुक जाओ राम। राम, तुम्हारी पिताजी की मृत्यु से तुम पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसी हालत में हमदर्दी के दो शब्द के बजाय मैंने तुम्हें बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। लक्ष्मण, मैं समझती थी सारे जानवर एक जैसे होते हैं, मगर तुमने उसे गलत साबित कर दिया। आज मेरा भ्रम दूर हो गया लक्ष्मण। राम, मैंने तुम्हें वापस लाने का वचन मीनू को दिया था और अनजाने में तुम्हारा खून करने चला गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जो बीत गया उसे भूल जाओ। यही वो दुरिंदा विक्की है जिसने मुझे राकेश से राका बनाया। इसी के कहने पर मैं तुम्हारा खून करने गया था। हो ना हो, तुम्हारे डैडी के कत्ल से इसका कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। अगर विकी मेरे डैडी का कातिल है तो लक्ष्मण ये फोटो देखते ही उसे पहचान लेगा। लक्ष्मण, डैडी के कातिलों में यह था। विकी कहाँ है? साहब, आपको सुनकर दुख होगा कि विक्की साहब गुजर गए। क्या? जी हाँ, दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उन्हें पास के कब्रिस्तान में ले गए हैं। मैं लोगों को खबर करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। The sentence of the judgment weigh heavily upon him whom the true supplication of Christian faith does command unto thee. But by the succor of this grace may he be found worthy to escape the judgment of vengeance, who while he lived was sealed with the seal of the Holy Trinity, who lives and reigns world with the end. Amen. Thank you.
लक्ष्मण, तेरा शक ठीक निकला। मौत के नाटक को हकीकत में बदलने आया हूं। तुम्हारे लिए जिंदगी का हर रास्ता बंद हो चुका है, अब तुम बच नहीं सकते। नहीं भाग सकते विकी, चारों तरफ तुम्हारे लिए मौत है। तुम मेरे डैडी के कातिल हो। तुमने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली है। तुमने मेरे निहत्थे डैडी को मारा था, लेकिन मैं तुम जैसा बुस्तित नहीं हूं। ये लो, उठाओ इसे, हो सके तो अपने आप को बचा लो। बेटा, काम पूरा हो गया? हाँ माँ, हो गया। अच्छा हुआ, भगवान से मेरी यही प्रार्थना थी। राम, अब मीना की और तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, तुम्हारे पिताजी की यही इच्छा थी। राकेश, पंडित जी को बुला लेना, जल्दी ही मुहूर्त निकलवाना है। हरकत है, चलिए आप पंडित जी को जाने दो। लक्ष्मण, मैं जानता हूं तुम पंडित जी को क्यों लाए हो, लेकिन ये मौका शादी का नहीं है। लक्ष्मण, अभी तो सिर्फ कुंभकर्ण मरा है, जब तक रावण नहीं मरता रामायण पूरी नहीं होगी।
राकेश, राकेश क्या बात है? इंतकाम की आग मेरे दिल में भड़कती जा रही है। जब तक मैं विकी के दोस्त को खत्म कर नहीं लेता, तब तक मैं चैन की सांस नहीं ले सकता। राम, विकी का सिर्फ एक ही दोस्त है, उसका पार्टनर तेजा, जो मैंने सुना है चंदनदीप में रहता है। वहां दाखिल होना बहुत मुश्किल है। अगर किसी तरह वहां पहुंच भी गए तो वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है। कुछ भी हो राकेश, मैं उस दरिंदे की तलाश में जा रहा हूं। मुझे भी अपने साथ ले चलो राम। नहीं मीना, मैं तुम्हारी ढाल बन के रहूंगी। जो भी मुसीबत आएगी हम दोनों साथ मिलकर झेलेंगे। प्यार को मजबूरी मत बनाओ मीना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। प्लीज राम। मीनू, इसे जाने दो। राम, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। भैया, मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे दोस्त, किसने मारा मेरे दोस्त को? राम ने। कौन है ये राम? डीएसपी कुमार का बेटा। डीएसपी कुमार का बेटा? रास्कल, मैं उस कमीने का गला अपने हाथों से घोटना चाहता हूं। मुझे राम चाहिए जिंदा। गेट हिम एट एनी कॉस्ट, बास्टर्ड। एक आसान तरीका है। राम एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम मीना है। अगर आप कहें तो मैं मीना को यहाँ ले आती हूँ। मीना की वजह से राम अपने आप हमारे जाल में फंस जाएगा। गुड, उसे जल्दी ले आओ। विक्की की आत्मा तड़प रही होगी, मैं उसका बदला लूंगा। जाओ। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेलो, आप लीली? मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ। भाभी? भैया ने मुझे कभी नहीं बताया। अच्छा आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। ओके। ये रास्ता मेरे घर का नहीं है, कहाँ जा रही है? मेरी होने वाली भाभी, अब देखो तुम्हारी ननद कैसे तुम्हारा इलाज करती है। कहने पे मुझे यहाँ लाई हो? बताती होगे? हाँ, बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। लक्ष्मण, हम लोग साथ साथ चलेंगे तो दुश्मन हमें आसानी से पहचान लेगा। बेहतर ये होगा कि मैं आगे चलता हूँ तो दूर से मेरा पीछा करना। Yeah!
मेरा लॉकेट ले गया। ये क्या है, कहां से उठा ला? डैडी के कत्ल से इसका कोई ताल्लुक तो नहीं? मुझे वहां ले चल जहां से ये ले आया। चल माफ कीजिए। Yes, please, what can I do for you? मुझे लगता है आपके किसी स्टूडेंट का कीमती हार खो गया है। अरे हाँ, ये तो हमारे सोनू का है। सोनू बेटे, बेचारा बहुत परेशान था। देखो ये है मिस्टर राज। राज अंकल को थैंक यू बोलो बेटे। थैंक यू अंकल। स्वीट बॉय, मुझे लगता है मैंने इस लड़के को कहीं देखा है। इसके डैडी का नाम मिस्टर तेजा। मिस्टर तेजा चंदन द्वीप के बहुत बड़े स्टेट के मालिक हैं। एनीवे, थैंक यू। हाँ मैं तेजा बोल रहा हूँ। तुम्हारा बच्चा मेरे पास है और उसकी गर्दन मेरे चाकू की नोक पर रखी हुई है। क्या बकते हो? मैं बकता नहीं, मैं सच कहता हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो स्कूल में फोन करके पूछ लो, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। मैं फोन रखता हूँ। नहीं ठहरो, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। मेरा नाम राज है और राम नाम के किसी आदमी ने मुझे 50,000 रुपया दिए हैं तुम्हारे बच्चे को मार डालने के लिए। नहीं, तुम बच्चे को हाथ नहीं लगाओगे। ठीक है, अगर तुम 1,00,000 रुपया लेकर काली पहाड़ी पर पहुंच जाओ तो तुम्हें तुम्हारा बेटा सही सलामत मिल जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। और तुमने कोई चालाकी की तो तुम्हें तुम्हारे बेटे का सर तोहफे के तौर पर पेश किया जाएगा। ओके? हेलो हेलो हेलो, तो तुम ही राज हो? जी हाँ। इसमें तुम्हारा 1,00,000 रुपया है, ये लो रुपए और मेरे बच्चे को छोड़ दो। डैडी सुनो। डैडी, अंकल ने मेरी जान बचाई। जान बचाई? हाँ डैडी, अगर अंकल नहीं होते तो सांप मुझे काट लेता। लक्ष्मण, डैडी का दूसरा कत्ल यही है? क्या हुआ? जिस तरह मैं तुम्हें मानना चाहता हूं उसके लिए मौका नहीं। वो पागल हाथी भाग गया, ले लीजिए। यह तुम्हारी बहादुरी का इनाम है। सोनू की जान के साथ साथ तुमने हमारी भी जान बचाई है। लेकिन राज, 50,000 रुपए के लिए तुमने राम को धोखा दिया है, उसको क्या जवाब दोगे? कुछ नहीं,
क्योंकि जो मुझे ज्यादा पैसा देता है मैं उसी का काम करता हूँ। ठीक है, आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। अगर तुमने राम को मेरे हवाले कर दिया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात याद रखना, जो आदमी मेरे लिए काम करता है वो मुझे छोड़कर जिंदा वापस नहीं जा सकता, समझे? लेट्स मूव। लक्ष्मण, रुक जाओ लक्ष्मण, रुक जाओ। देखो सब्रता से काम लो, अगर जल्दबाजी करोगे तो राम की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। हमें मौके का इंतजार करना चाहिए। शाबाश। तेजा साहब, ये जगह तो ऐसी है जहां परिंदा भी आपकी इजाजत के बगैर पर नहीं मार सकता। कुछ भी हो राज, मैं दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझता। जाओ आराम करो, इन्हें इनके कमरे में ले जाओ। अंकल, थोड़ी देर बाद में आपसे मिलने आऊंगा। राज, कल रात तुम मेरे कमरे तक आए थे, क्यों? मैं जानता हूं तुम क्यों आए थे। आपसे मिलने के लिए। झूठ, मुझसे मिलने नहीं आए थे। तुम सोनू से मिलने आए थे। आप कितने होशियार हैं और तुम कितने लापरवाह हो। मैंने तुम्हें अपना रिवॉल्वर तोहफे के तौर पर दिया था और तुमने उसे यूं ही कहीं फेंक दिया। देखो राज, हथियार और तवायफ में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, वो जिसके भी हाथ में है उसी के दोस्त होते हैं। देखो तो तुम कितने स्मार्ट हो, रिवॉल्वर उठाओ, उठाओ। दोबारा कोशिश करो। क्या कह रही है? मैं किसी राम को नहीं जानता, मेरा नाम राजू है। ये क्या बकवास है? I'm sorry, मुझे लगा ये राम है। तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई? ये लिली की बहन है सर, आपसे मिलना चाहती थी। लिली की बहन? लिली कहाँ है? रोती क्यों? मैं पूछ रहा हूँ लिली कहाँ है? उसका खून हो गया। खून? किसने किया? राम ने। राम? वो तो मुझे भी मार देना चाहता था, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आई हूँ। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप मुझे बचा लीजिए। चुप हो जाओ, यहाँ कोई खतरा नहीं है। सुनो जी? इसके रहने का इंतजाम करो। आइए। हाँ तो मिस्टर राम, राम नहीं राज। सॉरी, अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि राम यहीं कहीं मेरे इर्द गिर्द खड़ा है और साय की तरह आपका पीछा भी करता है। तुम्हें कैसे मालूम? आप ही ने तो अभी अभी कहा कि राम कहीं आपके आसपास मौजूद है। कहा होगा, चलो मेरे साथ। राम, सॉरी राज, उस कमीने का नाम मेरी जबान पर बार बार क्यों आता है जानते हो?
मैं क्या जानू? बैठो, मैं बताता हूं। कत्ल तो रोज होते रहते हैं, लेकिन जिस बेरहमी से हमने राम के बूढ़े बाप को मारा, हाय मजा आ गया। क्यों, सुन रहे हो ना? जी हाँ, बड़े गौर से सुन रहा हूँ। बूढ़ा डीएसपी बहुत कमीना निकला। मेरे दोस्त विक्की ने उसे बहुत समझाया, पैसे का लालच दिया, लेकिन नहीं माना। फिर हम पहुंच गए। बूढ़ा अपने जन्मदिन की तैयारियां कर रहा था, हमें देखकर अपने पिस्तौल लेने की दौड़ा। मैंने उसके पैर में गोली मारी, वो गिर पड़ा। बस वो रेंगने लगा। फिर मैंने जूतों से इतनी ठोकरें मारी, इतनी ठोकरें मारी कि वो अधमरा हो गया। क्यों, मजा आया ना? जी हाँ। मेरा तो इरादा था कि मैं उसे एक कटे हुए मुर्गे की तरह तड़पता हुआ देखूं, लेकिन मेरे दोस्त ने उसके सीने में गोली उतार दी। फिर भी वो नहीं मरा। फिर मैंने अपनी एक गोली उस पर बर्बाद कर दी। मजे की बात यह है कि हमने उसके जन्मदिन पर उसे कुत्ते की तरह मारा। अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने दुश्मन को इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। मैं उसे मारूंगा, लेकिन तड़पा तड़पा के मारूंगा। राज, ये तुम्हें क्या हो गया? I'm sorry, sir. वो डीएसपी, मुझे आपके चेहरे पे नजर आने लगा था। I'm sorry. एक बात का मुझे यकीन हो गया कि तुम राम नहीं हो सकते। अगर तुम राम होते तो अपने बाप के खून की दास्तान एक रेडियो के ड्रामे की तरह नहीं सुन सकते। गुड नाइट। तुमसे कुछ बातें करनी, मैं तुम्हें जो कहना चाहता। छोड़ दो मुझे, लुच्चे लफंगे, चले जाओ यहाँ से। तेजा साहब, मुझे इस गुंडे से बचा लीजिए, ये मुझे ऐसी वैसी लड़की समझता है। आपने मुझे पना दी है, मेरी हिफाजत करना भी आपकी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं उस बदमाश से निपट लूंगा। राज, इधर आओ। तुम उस लड़के के कमरे में क्या कर रहे थे? आपने सुना नहीं, उसने मुझे राम कहकर पुकारा था। मैं ये जानना चाहता था ये चक्कर क्या है। ओ, लेकिन लड़की के साथ किस तरह पेश आना चाहिए ये तुम नहीं जानते। बिल्कुल नाड़ी हो, बद्दो। डैडी, आप मेरे अंकल को डांट रहे हैं? डांट नहीं रहा हूँ बेटे, इन्हें समझा रहा हूँ। अच्छा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कल मेरा बर्थडे है ना, इसलिए मैं अंकल को इनवाइट करने आया हूँ। अच्छा, अंकल से इतनी दोस्ती हो गई कि इन्हें पर्सनल इनविटेशन देने आए हो? डैडी, अगर अंकल नहीं होते तो कल मेरा बर्थडे नहीं होता। ओह यस, यू आर राइट। हाँ तेजा साहब, आपके साथ धोखा हुआ है। वो राज नहीं, राम है। आपसे बदला लेने के लिए यहाँ आया हुआ है। तो मेरा शक ठीक निकला। Bastard. मैं अभी उस कमीने को बताता हूं कि तेजा के साथ टक्कर लेने का क्या अंजाम होता है। चलो मेरे साथ। साथियों, आज का दिन मेरी जिंदगी का एक अहम दिन है, और इस खुशी के मौके पर मैं अपने वफादार साथियों को एक जीता जागता हसीन तोहफा देना चाहता हूं, और वो तोहफा है लिल्ली की बहन जूली। इसे ले जाओ और जिस तरह चाहो अपना दिल बहलाओ। Come on, राज, PS4, तुम्हारे लिए मेरे पास इससे भी ज्यादा हसीन तोहफा है। ये रहा तुम्हारा तोहफा। लिली, मेरे दोस्त राज को तुम्हारी बहन जूली से कुछ खास हमदर्दी हो गई है। ये मेरी बहन नहीं है,
राका की बहन है मीना। जब इसने हमला करके मुझे मजबूर किया तब मैंने एक चाल चली। मैंने इसे कहा कि राम और राका की जिंदगी खतरे में, बस ये यहाँ मेरी बहन बन के चली आई और आपके जाल में फंस गई। वेल डन लेले। सो मिस्टर राज, मेरा मतलब है राम, तुम्हारे पास मुझे मारने के लिए बहुत वक्त था लेकिन तुम चूक गए और अब वक्त मेरे हाथ में है और मैं नहीं चूकूंगा। रुक जाओ, तुम लोग समझ जाओ, मैं इससे निपटता हूं। चूहा मछली को तैरना सिखाने आया है। भागने से कुत्ता शेर नहीं हो जाता तेजा। Come on.
लक्ष्मण। जुदाई मैं